फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, मेरे पास एक फ़ोन आया है IQ का Neo 7 Pro। ये IQ का Neo 7 Pro है और इसमें कस्टमर का कहना था जो रिकवरी मोड में नहीं जाता है, तो रिकवरी मोड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत लोगों को परेशानी होता है। तो चलिए इसका मॉडल चेक करवा देते हैं। देखिए, IQ Neo 7 Pro 8th जनरेशन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इसका और बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है इसका। तो इसको रिकवरी मोड में कैसे ले जाएंगे वो आप लोगों को हम इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको मोबाइल रिकवरी मोड में ले जाना है, फॉर्मेट करना है या वहाँ से सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना है, तो आप कैसे लेके जाएंगे रिकवरी मोड में वो आपको हम दिखाएंगे। चलिए, इसको सबसे पहले बंद करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जैसे हम पावर बटन दबा के रखते हैं तो ये फ़ोन स्विच ऑफ करने का या रीस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो उसको फ़ोन बंद करने का तरीका कैसे होगा, क्योंकि लॉक में ये फ़ोन बंद नहीं होता है। तो देख सकते हैं, इसको हमको पावर और प्लस बटन, जैसे देख सकते हैं पावर बटन और वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम का प्लस बटन एक साथ दबाना है। दोनों को दबाएंगे जैसे ही, तो देखिए मेरा वो रीस्टार्ट का ऑप्शन और पावर ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए आ गया मेरा। चलिए यहाँ से बंद करते हैं इसको, और बंद करने के बाद इसको रिकवरी मोड में कैसे लेके जाना है वो आप लोगों को हम इसमें दिखाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है रिकवरी मोड में ले जाने का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मेरा आएगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का वीडियो हम बनाते हैं तो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे हमेशा। तो देखिए, इसको हमको रिकवरी मोड में ले जाने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन एक साथ हमें दबाना है। देख सकते हैं, पावर बटन हम दबा रहे हैं और वॉल्यूम का प्लस बटन और एक साथ दबाना है। और जब ऑन हो जाएगा फ़ोन तो पावर बटन छोड़ देना है और प्लस बटन को बार बार हमें दबाना है। देखिए, हमें दबाना है जब तक कि रिकवरी मोड में ना चल जाए। तो देखिए, ये रिकवरी मोड में नहीं गया, ये फिर से चालू हो गया फ़ोन, क्योंकि रिकवरी मोड में जाता तो यहाँ से मुझे रिकवरी मोड आ जाता। तो चलिए, इसको फिर से हम चालू करते हैं और चालू करके फिर बंद करते हैं और फिर से दोबारा आप लोगों को हम करके दिखाते हैं। तो देखिए, फिर से हम इसको पावर बंद कर दिए और पावर बंद करने के बाद इसको हम फिर वही करेंगे, पावर और पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन एक साथ दबाएंगे। और देखिए, पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन एक साथ दबाना है हमें, बिल्कुल एक साथ दबाना है। और जैसे ही ऑन होगा फ़ोन को हम छोड़ देंगे। देखिए, मेरा रिकवरी वो आ गया, देख सकते हैं रिबूट और रिकवरी मोड। तो यहाँ हमें वॉल्यूम माइनस से नीचे कर लेना, टच यहाँ नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वॉल्यूम माइनस से रिकवरी करके पावर बटन को दबाएंगे, ओके हो जाएगा। फिर मेरा फ़ोन यहाँ से बंद होगा और बंद होने के बाद देखिए, ये ऑटो रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं, अब ये मेरा फ़ोन ऑटो रिकवरी मोड में जाएगा। और यहाँ फिर हम सॉफ्टवेयर या मोबाइल को क्लियर डाटा, क्लियर कैचेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये कस्टमर जो आया था मेरे पास, वो पासवर्ड भूल गए थे, उनको फॉर्मेट करना था, तो ये फ़ोन को उनको हमने बता दिया। तो देखिए, यहाँ से जाके उन्होंने क्लियर डाटा कर लिया, इसमें डाटा आपका सारा डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं ऊपर क्लियर डाटा है, यहाँ क्लियर डाटा करना है या सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना है आपको कोई भी वर्सन, तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। बहुत सारे गेमिंग के लिए नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए लोगों को यहाँ जाना पड़ता है रिकवरी मोड में। तो देखिए, यहाँ जाने के बाद हमको क्लियर डाटा भी अगर करना है, आपको मोबाइल फॉर्मेट भी करना है, तो इजी तरीका से यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो कस्टमर ने देखे, उनके पास गूगल अकाउंट बिल बॉक्स वगैरह सब कुछ था, तो हमने इसको उनको बता दिए हैं क्लियर डाटा कैसे करना है, और इजी ट्रिक है बहुत। तो इस पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ क्लियर ऑल कैचेज है, क्लियर डाटा है, जिसको मैंने पहले ही कर दिया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं फ़ोन चालू था और उनका गूगल अकाउंट वगैरह था, तो बिल्कुल मोबाइल को किसी भी तरीका से परेशानी नहीं हुआ खोलने में। तो देखिए, अब इसको हमको रिबूट कर देना है यहाँ से, अगर रिबूट करना है तो रीस्टार्ट यहाँ से कर देना है, ऑटोमेटिक ये फ़ोन बंद होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से।